हेलो किड्स, हेलो सर। आज हम खेलेंगे कार्ड पजल, ठीक है। अब देखो इसमें चार हमको स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और डी। अब आपको देखो करना क्या है इसमें, एक तो जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ब्लैक वाला पोर्शन फ्रैक्शन में कितना है? एक बटे चार। ये भी एक बटे चार, ये भी एक बटे चार, और इसमें ब्लैक वाला पोर्शन कितना है? जीरो बटे चार। अब वो बोल रहे हैं, अब आपको जो करना है वो करना है कि जो ये ए वाला जो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इसके दो हिस्से करने हैं, जो ये वाइट वाला एरिया है। कैसे करोगे? कर सकते हो? वही सर, ऐसे में करोगे? देखो हो गए दो हिस्से। बी वाले के करने हैं तीन हिस्से, ठीक है, हो गए। सी वाले के करने हैं चार हिस्से, ठीक है। चार हिस्से का मतलब है कि पहले हमको ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। करने इसके दो हिस्से? दो हिस्से तो हमने पहले भी किए हैं, ठीक है, हो गए दो हिस्से। अब हमको इन दो हिस्सों में से अगर हम इसके बराबर बराबर दो हिस्से कर लें तो इसके भी हो सकते हैं। अब हम देखो करके देखते हैं, इसको मैं ऐसे बढ़ा लें, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अब देखो क्या करो, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला हो गया और एक स्क्वायर हमारे पास ये वाला हो गया। अब हमको क्या करना है, इतने पोर्शन के हमको दो बराबर बराबर हिस्से करने हैं ना। अब देखो क्या करो, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दें, हो गए इसके दो बराबर बराबर, और यहाँ से यहाँ तक भी इसको मिला दें। मिला दिया। अब मतलब इतना पोर्शन ये और इतना पोर्शन ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला मिला के क्या हो गया? एक। ये पोर्शन हो गया एक, तो हो गए दो हिस्से पूरे। वैसे इसके भी कर लो, इससे इससे मिला लो, इसके इससे मिला लो, हो गए, हो गए चार हिस्से बराबर बराबर, वन टू थ्री और फोर, ठीक हो गया। अब ये वाला टिपिकल है, डी वाला, इसके करने सात हिस्से। कैसे करोगे सर? ऐसे में लाइन खींच देंगे सात। कैसे? वर्टिकली खींच सकते हो, हॉरिजॉन्टली जरा खींच के दिखाओ। लगभग सात बराबर बराबर खींच रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी ये कम है या ज़्यादा है? बराबर बराबर हैं क्या ये? नहीं दिख रहे हैं ना बराबर बराबर, मतलब आप बराबर बराबर खींच सकते हो, या तो आप स्केल से नाप के भी कर सकते हो, ठीक है। स्केल से आपको क्या करना है, यहाँ से इस साइड से इस साइड तक नापना है पूरा, और उसको सेवन से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और उसके बाद उसमें पॉइंट्स लगा के लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब ये वाला है, गेस एंड चेक, व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड फर्स्ट, गेस द आंसर देन चेक। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा फ्रैक्शन में कितना लिखोगे इसे? 1/6, क्योंकि देखो इसके कितने पार्ट हैं, ये देखो 2, इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लो, और ये 6। ये वाला कितना है? 1/8, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कितने हैं ये दोनों? ये 1/9 का है, 1 का है, 2/9, ये दोनों, ये 4/15, ये देखो ना, इसको यहाँ से ड्रॉ करो पूरा, इसको यहाँ से ड्रॉ करो पूरा, इसको यहाँ से ड्रॉ करो पूरा, ये और ये, टोटल कितने हो गए ये? 15। वैसे ये भी था, इसको यहाँ से ड्रॉ करो ऐसे, ये पूरा बस हो गई ये 9, 2/9, ठीक है। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। अब देखो ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो आपको इस स्क्वायर में क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि आपको जो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बताना है कि ये ट्रायंगल इस स्क्वायर का कितना पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये इस स्क्वायर के हम चार हिस्से बराबर बराबर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया चार, दो हिस्से हो गए पूरे, और ये हो गए चार हिस्से, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसमें से ही पता कर लें, अब देखो इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर लें, ठीक है, कितना है हो गया अभी इस छोटे से स्क्वायर का कितना पार्ट है ये? 4, ये वाला, ये 1/4, ये तो इस छोटे से पार्ट का 1/4 है, तो पूरे का कितना है ये? 1/16, सिंपल है। पूरे का अगर हम देखें तो कितना हो गया? 1/16, टोटल 16 ही तो है ये, 1 2 3 4
अब 4 4 जा 16, तो टोटल कितना हो गया 1/16. अब देखो कंप्लीट दिस. द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू. वैसे आपको ये सारे फिल करने हैं. यहाँ पर कितना भरोगे इनटू 4 2. यहाँ पर ऐसे इनको भी लिखना है, ठीक है. इसमें कितने हिस्से करने हैं? इसमें 3 out of 6. इसमें 4 out of 8. वैसे तब इसको भरोगे 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8. मतलब 8 में से 4 हिस्से हों, या 6 में से 3 हिस्से हों, या चाहे 4 में से 2 हिस्से हों, या 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा हो, भिन्न क्या होगी तब भी बराबर ही. आपको दिख रहा है ना, हिस्सा तो उतना ही है, सिर्फ हमने टुकड़े ही तो बढ़ाए हैं. इसका मतलब जो ये वाली जो फ्रैक्शन है 1/2, ये किसके बराबर है? 2/4. और ये किसके बराबर है? 3/8. और ये किसके बराबर है? 4/8. समझ गए? ठीक है, मतलब दिखने में अंतर हो सकता है, लेकिन इन रियलिटी क्या है, वो फ्रैक्शन है एक ही. ठीक है, क्योंकि चीज़ कितनी मिल रही है? चीज़ तो आधी ही मिल रही है.